नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा चिन्नौर किसानों को गेहूं का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। 20 से 30 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं, जबकि छोटे से छोटे किसानों का 1 लाख से लेकर 10 तक का भुगतान होना है। अगर इस तरीके से बैंक द्वारा भुगतान किया जाता रहा तो किसानों को 1 महीने तक लगातार रोज बैंक पर रुपए निकालने के लिए आना पड़ेगा। किसान रुपए निकालने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कहीं इन्हीं में से कोई संक्रमित निकल आया तो बैंक को पूरा बाजार बंद हो सकता है। चिन्नौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर? जुगल छोर पाठक, प्रभारी शाखा प्रबंधक, शाखा छीनो, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। किसानों का कहना है कि हमको 20 से 30 हजार रुपए मिल पा रहे हैं, जबकि हमारी फसल 1 से 2, 2, 5, 5 लाख तक बेची गई है और बार बार अपने रुपए लेने के लिए डेली चक्कर लगाना पड़ रहे हैं और आपकी बैंक में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। देखिए, हमारे ब्रांच का जो बनावट है वो एक इस टाइप की है कि छोटी जगह है, हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं किसानों से बार बार, मैं अभी आया हूँ, यहाँ 8 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, मैं बार बार करबद्ध निवेदन इनसे यही करता हूँ कि मेहरबानी करके आप किताबें जमा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पावर मतलब पूरा का पूरा वो करें, मतलब आप पालन करते हुए आप नीचे आराम से छाया में जाके तब तक बैठ जाइए, तब तक आपकी किताबों की पोस्टिंग होगी और पासिंग होके आपको पैसा मिल जाए, क्योंकि ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी फेल हो चुकी हैं। इसमें कोई भी अगर एक बार ये बीमारी लग गई और किसी को ये नहीं पता लगेगा कि इसको कब होगी बीमारी।